कितना आगे बढ़ा जमाना, फिर भी किस्सा वही पुराना, अब है नया संसार बनाना। पढ़ना है पढ़ाना है सबको साक्षर बनाना है, पढ़ना है पढ़ाना है सबको साक्षर बनाना। अब तो शोषण से लड़ना है, नया समाज हमें गढ़ना है, प्रगति की राह पर चलना है, सपनों को साकार बनाना है। पढ़ना है पढ़ाना है सबको साक्षर बनाना। नमस्कार, लीजिए हम फिर हाजिर हैं ज्ञान दीप के साथ। ये तो हमें एहसास है कि हमारा ज्ञान का दीप जहां जहां भी गया है, इसने अपनी रोशनी से विकास की गति को बढ़ा दिया है। विकास मापने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, अपनी सेहत का विकास वगैरह। माना जाता है कि आदिवासी इलाकों में विकास की गति बहुत धीमी होती है, मगर जैसे जैसे साक्षरता की वजह से यहाँ जागरूकता बढ़ी है, देखा गया है कि विकास की गति में भी बढ़ोतरी आ रही है। चलिए उदाहरण के लिए चलते हैं ढूंढेरा गांव में। जब आदिवासियों ने अपने लिए अलग राज्य के लिए लड़ाई छेड़ी तो उसके पीछे उनका ख्याल था अलग राज्य बनने पर जल्दी और ज्यादा विकास होगा। आज ढूंढेरा के ये आदिवासी खुश है, उनका अलग राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है, पर ये तो शुरुआत है। अब ये चाहते हैं कि सभी तरक्की के पथ पर तेजी से आगे बढ़े। ढूंढेरा वो आदिवासी क्षेत्र है जहां गरीबी और पिछड़ेपन की समस्या तो है ही, साथ ही स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी कम न थी। यहां पर शिशु मृत्यु दर बहुत ऊंची थी, देश के सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाले इलाके में ये क्षेत्र आता है। यहाँ विशेष बात ये भी थी कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या ज्यादा है। इस आदिवासी क्षेत्र में पढ़ना बढ़ना आंदोलन के तहत पढ़ाई लिखाई की शुरुआत तो हो गई। जो औरतें घर से बाहर निकलने को शर्माती थी, कतराती थी, घबराती थी, अब बाहर क्लास तक आती हैं, सबके संग बैठती है, प्रेरक पढ़ाती है तो ध्यान से सुनते हैं, धीरे धीरे सही, रुकते रुकते सही, पर कोशिश बरकरार है ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ने की। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ साक्षरता को स्वास्थ्य सुधार से जोड़ा गया। अपने आप में अनूठे तरीके से गांव वाले अपने घर की दीवारों पर स्वास्थ्य चिन्ह बना देते हैं। उदाहरण के लिए ये गोला देखिए, गर्भवती महिलाएं इसे अपने घर के बाहर बनाती है। इन्हें इन निशानों द्वारा पता चलता रहता है कि कब इन्हें टीके लेने हैं। इसी तरह गर्भ ना बैठे यानी कि गर्भ निरोधक गोलियां समय पर खा सके, उसकी सही गिनती के लिए ये ऐसे चिन्ह बना लेते हैं। रोजाना गोली के साथ ये एक लकीर यहाँ लगा देते हैं और ये गोली लेना भूलते नहीं। कुमुद शारदा सोनी का कहना है पहले के मुकाबले काफी बदलाव है। पहले निरक्षर थे तो साक्षरता खुलने के बाद साक्षरता में पढ़े, साक्षरता में पढ़ने से वो लोग साक्षर हुए, उसके बाद नौ साक्षर हुए, उसके बाद अभी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लिए और इसका फायदा भी है। पढ़ लिख कर के तैयार हुए, पूरा जानकारी लिए, पहले जानकारी नहीं थी, अभी जानकारी हो गई इन लोगों को। बिंदु सोनी भी हो रहे फायदे से खुश है। पहले निरक्षर थे अब साक्षर हुए, पहले हमको मालूम नहीं थे, अब सब कुछ के मालूम हो गए। इन महिलाओं के बीच उमंग और उत्साह का कारण सिर्फ ये किताबें नहीं रही, पर इनके बीच भी बचत बैंक स्थापित किया गया। साक्षरता का संगठन हो हैं पढ़ने बढ़ने में, अब पैसा जमा करत हैं, सब संगठन हो के 10-12 जन कैसे गुट बन के पैसा जमा करत हैं। गोदावरी बाई कहती है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूह बहुत फायदेमंद रहा। पैसा समूह ये करे हैं जमा, खाता खोलवा हैं बमलेश्वरी नाम से। वैसे भी यहाँ की महिलाएं अपनी आमदनी या पैसे बचत का फायदा अपने बच्चों तक ही पहुँचाने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक लोकप्रिय स्कीम चली थी बाल भोजन कराई की। इस योजना के तहत माएं अपने बच्चों के लिए बोझ का बंदोबस्त करती थी। जाहिर है उद्देश्य यही था कि बच्चों को पौष्टिक खाना मिले।
बच्चे लोग को फिर खवा लेते हैं, उसको खाने खवाते हैं 15 दिन में, और 15 दिन के बाद में महिला लोग खवाते हैं। प्रेरक आर ठाकुर कहते हैं, यहाँ साक्षरताओं से महिला खास करके अपने गांव में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको आंगनबाड़ी में भेजने का, और साथ ही गर्भवती महिलाएं हैं उनको समय पर टीकाकरण या जो पल्स पोलियो कार्यक्रम में इसमें अच्छे भागीदारी निभाए, खास करके जो प्राथमिक स्तर में जाने वाले बच्चों पर जो शिक्षा की नींव कही जाती है, का खा गा पहले अक्षर से ज्ञान प्राप्त होता है, उस पर अपने घरों में खास करके बच्चों के साथ में बैठ करके अपने पुस्तकों का भी अध्ययन किए और बच्चों से भी पढ़े। जी हाँ, लोगों की भागीदारी से ही ये साक्षरता कार्यक्रम सफल रहा। वैसे गांव की एक खासियत है कि यहाँ के लोग भोले भाले होते हैं, अपने काम से जीवन में संतुष्ट रहते हैं और त्योहारों के वक्त सब मिलकर इकट्ठे खुशियां मनाते हैं। इनका साथ बैठकर खुशियां मनाना वही बात है जिसने बढ़ावा दिया है लोक कलाओं को। इसलिए जब पंजाब के गिंगुवाल इलाके में साक्षरता फैलाने का फैसला किया गया तो सोचा गया कि क्यों नहीं ये काम किया जाए लोक नृत्य और लोक कलाओं के माध्यम से, और यही किया गया और इससे सफलता भी प्राप्त हुई। पंजाब में लोक संस्कृति की बहुत गहरी पैठ है। यहाँ के लोकगीत और लोक नृत्य आज राज्य में क्या पूरे देश और विदेश में धूम मचा रहे हैं, पर जिन गलियों से, जिन मोहल्लों से इनकी शुरुआत हुई, जिन लोगों ने इन्हें सराहकर इनकी हौसला अफजाई की, उन बातों को भला ये लोक कलाकार क्यों भूलेंगे। इसीलिए ऐसी लोकप्रिय धुनें लेकर कलाकार गाँव वालों को प्रेरित करने को निकले हैं। हाँ, फर्क इतना है कि इन लोकगीतों में छिपे हैं संदेश, संदेश साक्षरता के। एक हाथ चेंकू हो गया, टेंकू हो गया, पिंका, और यार क्या करो, तो पढ़ना भी गिरना भी ले आता है। हम आपको बताते हैं तरक्की करूगा जे बच्चे घट हो गए असि उनका पालन पोषण चंगी तरह कर सकांगे, उन्होंने पढ़ा सकांगे, लिखा सकांगे, ताकि वो देश की तरक्की हिस्सा पाउन। कितनी सहजता से लेकिन कितनी कुशलता से ये कलाकार साक्षरता का संदेश दे रहे हैं। इस तरह की नाटक की वजह से लोग इकट्ठा भी हो जाते हैं, मजे से देखते हैं, खुश होते हैं, और साथ ही पढ़ाई लिखाई के महत्व को समझने के बाद पढ़ने को प्रेरित हो जाते हैं। औरतों में साक्षरता इसी तरह फैली और अब उन्हें लगने लगा है कि इसका फायदा भी खूब है। फायदा इसलिए भी है क्योंकि गिगनवाला के इस केंद्र में साक्षर कर्मी इन्हें पढ़ाई लिखाई के साथ इनके कौशल विकास में भी लगे हैं। लड़कियों को सिलाई कढ़ाई का शौक तो होता ही है, अगर वे इसे भविष्य में अपना कमाई का साधन बनाना चाहें तो उन्हें प्रशिक्षण लेकर इसी शौक को संवारना होगा। यहाँ इस केंद्र में मशीन से सिलाई सिखाई जा रही है। वैसे कई लोग तो दो दो काम साथ करते हैं। कला जत्था नाटक दिखा रहा होता है और ये महिलाएं गाना सुनते सुनते अपने काम को सीख रही हैं।
इसी तरह इस केंद्र में टाइपिंग और शॉर्ट हैंड का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इससे कईयों को नौकरी मिलने में सुविधा हो जाती है। आज भी पंजाब में टाइपिंग और शॉर्ट हैंड का प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए युवाओं की खासी मांग है। पर बदलते वक्त के साथ कंप्यूटरीकरण के इस युग में ये भी एहसास हो रहा है कि युवाओं को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, इससे उन्हें ज्यादा अच्छी नौकरियां मिलेंगी। चूंकि प्रशिक्षण को साक्षरता क्लास के साथ जोड़ा है, कई लोगों की केंद्र में रुचि बढ़ी है। जसवीर कौर का कहना है, साक्षरता समिति के कारण समाज में काफी जागरूकता आ गई है। पहले लड़कियों को अच्छा नहीं समझा जाता था और लड़कियों को एजुकेटेड एजुकेशन नहीं दी जाती थी। अब साक्षरता के कारण घर घर में एजुकेटेड है लड़कियां और अपने आप पर डिपेंड करती हैं, समाज की सभी बुराइयां दूर करने की कोशिश करती हैं। सुखदीप कौर इसकी बात का समर्थन करती है। कंप्यूटर आने से लोगों में जागृति आई है और साडा जो कंप्यूटर है जिला साक्षरता समिति होशियारपुर में चलाया जा रहा है और उनकी बदौलत जो भी हो रहा है उनकी बदौलत हो रहा है। गाँव में कंप्यूटर प्रशिक्षण है, इसीलिए गाँव की लड़कियाँ ये सीख पा रही है। अब लड़कियाँ गाँव में कंप्यूटर सीख सकती हैं और वैसे तो हमारे गांव में पहले तो आवाजाही के साधन शहरों में होते थे, गांव के लोगों को बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन अब सब वो फैसिलिटीज गांव में हैं। जहां बच्चों की शिक्षा को लेकर माँ बाप इतने इच्छुक हैं, वहां सरकार भी यही चाहती है कि देश का हर बच्चा स्कूल जाए। पर आप सभी ने गौर किया होगा कि कई बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं क्योंकि या तो वहाँ पढ़ाई के पूरे साधन उपलब्ध नहीं है और या फिर टीचर आते हैं तो बेमन से पढ़ाते हैं। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में भी जहां साक्षरता अभियान पूरी कामयाबी के साथ चल रहा है, वहां ये देखा गया है कि पढ़ाने वाले लोगों को प्रेरित करने में कामयाब हुए हैं और कई जगह तो ये जिम्मा हमारे गांव के विकलांगों ने उठा लिया है। तो चलिए चलते हैं राजस्थान के उदयपुर जिले में, जहाँ कुछ ऐसा ही हो रहा है। हिम्मत मर्दा मद्दे खुदा, मन में कुछ करके दिखाने की तमन्ना हो, अपने अंदर हिम्मत हो तो कोई भी कमी रास्ते का कांटा नहीं बन सकती, यही करके दिखाया है रतनलाल सालवी ने। विकलांग लोगों के लिए आदर्श हैं रतनलाल सालवी। जन्म से ही पैरों से अपंग रतनलाल अपने गांव वालों के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन उदयपुर के रेवाड़ियों के इस गाँव में जहाँ अधिकतर लोगों का धंधा पशुपालना है, गरीबी, बिजली, पानी और अशिक्षा जैसी तमाम समस्याएं थीं। इन सब समस्याओं का हल केवल शिक्षा से संभव था, इसीलिए रतनलाल ने गांव वालों को शिक्षित करने का बीड़ा उठा लिया। बचपन में की गई पढ़ाई को सार्थक रूप दिया रतनलाल ने, लेकिन बरसों से गरीबी और अशिक्षा के अंधेरे में जीवन जी रहे लोगों को शिक्षा के लिए जागृत करना एक कठिन समस्या थी। रतनलाल ने उसका भी हल निकाल लिया, लोगों को समझाया और कहा कि पढ़ो तो बिजली पानी जैसी सब व्यवस्थाएं करवा दूंगा। शुरू में प्रधानाध्यापक जी ने उन्होंने बोला कि भाई आपको एक सरकार की योजना है उसमें चलना पड़ेगा, प्रशिक्षण है 2 दिन का। मैंने कहा भाई कही बना वाला काम है, जो अनपढ़ लोग हैं, महिला है, पुरुष है, जो भी बना नहीं बना वाला काम है भाई, अब पंचायत तो दूर पड़े वहाँ, तो फिर प्रशिक्षण में कम वहाँ ले जाऊँगा और लाऊँगा पाछा। तो 2-3 दिन पर प्रशिक्षण बट गया और बाद में पाचा बटे बताए बड़ी आधार हूँ लोगों बातचीत की दी काम है, तो लोग आगे हिचकी जाएंगे। देखो वहाँ तो आज तक कोई विकास नहीं आ रहा, वायदा सब देन वायदा कोई करे नहीं, खरी मतलब बात करो तो देखे जा। तो आदिवासी मोहल्ला वाला ने मैं वायदे दो भाई पानी आपके हैंडपम्प की और बिजली रही हमारी जिम्मेदारी, मैं आगे लोगों को कहीं भी करूँगा और आप रहे जो काम करवाऊँगा। और आज ये कई सालों से अपने गांव के निरक्षरों की जिंदगी में उजाला भरने में लगे हैं। संपूर्ण साक्षरता अभियान में जो लोग पढ़ना लिखना सीख गए या जो नहीं पढ़ पाए निरक्षर रह गए थे, उन्हें रतनलाल उत्तर साक्षरता अभियान में शिक्षित कर रहे हैं और साक्षरता से होने वाले फायदों से परिचित करवाते हैं। पढ़ने से ये आयोग साहब एक तो बना रहे जो पहले कने पे कागज है अरे की लिखा हुआ जाता है, दूसरा पास जा रहो थोड़ा कने कने मतलब बढ़िया भेट गया दिमाग में वे बनाने दूसरी गज नहीं जान पड़े। दूसरा जो के छुरा ने बनावा मिलनो बना समझ में आई क्यों भाई छुरा ने बनावा घर में जरूरी है, तो बच्चा ने स्कूल भेजा था पहले कम भेजता थे ऐसे लोग तो भेजवा लग गया। और दवाई वास्ते जो भी माँ हम जाओ कोई चिकित्सा वास्ते तो अस्पताल में जानो कोई बीमार भेजा देव देवता रे आप करो मगर अस्पताल जानो जरूरी है, वो भी लोगों ने दिमाग में बैठो।
आज यहाँ केंद्र पर बैठकर पढ़ाई करती इन महिलाओं को देखकर ऐसा लगता है कि साक्षरता से उनके अंदर एक आत्मविश्वास आया है और शर्म व झिझक भी दूर हुई है। साथ ही पुराने रीति रिवाजों में भी फर्क पड़ा है, घूंघट प्रथा भी कम हुई है, मगर किसी बड़े को देखकर आज भी घूंघट चेहरे पर आ जाता है। पहनावा वही है मगर विचारों में फर्क आ गया है। आज वे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजने लगी हैं और खुद भी सोचती हैं कि पढ़ती तो कुछ करती। कमला को आज भी दुख है कि बचपन में पढ़ाई नहीं की, अगर पढ़ती तो क्या करती। पढ़ती तो अगर मान लो आंगनवाड़ी भी कर सकता, घर काम में ही हुआ, सब हिसाब किताब सब कर सका, आज तो वह सब यूं मान लो है, काले कही है, काले कही है, यही कही खबर है कने यूं है, आज तो वह सब ठीक है यूं, वो सब पढ़े लिखा हुए तो सब यूं ठीक रहे। विचारों में ये परिवर्तन आया है पढ़ाई करने से। उम्र चाहे कोई भी हो लेकिन पढ़ाई करना जरूरी है, ये जान लिया है इस गांव के लोगों ने। लेकिन पढ़ाई करने से कहीं लोग ऊब ना जाएं, इस कारण रतनलाल उनको सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करवाते हैं। हर उस जगह जहां निरक्षरता अपना जाल फैलाए हुए है, वहां रतनलाल जैसे लोग ही प्रेरणा बनते हैं अन्य लोगों के लिए। सच में जहां रतनलाल जैसे लोग हों वहां निरक्षरता का अंधकार हटाकर साक्षरता की मशाल तो जलेगी। वाकई कितनी सार्थक भूमिका निभा पा रहे हैं ये विकलांग, कितनी महत्वपूर्ण बात है। चलिए अब चलते हैं देश के पश्चिमी हिस्से से पूर्वी क्षेत्र में, जहां रिटायर्ड लोग यानी अवकाश प्राप्त लोग बीड़ा उठा रहे हैं अपने गांव के लोगों को साक्षर बनाने का। कितनी प्रेरणापूर्वक बात है। रिटायरमेंट यानी कि किसी कामकाजी व्यक्ति की जिंदगी का वो पड़ाव जब वो अपने जीवन में 30-40 साल की नौकरी या काम के बाद अवकाश प्राप्त करता है। वैसे तो सरकार ने तय कर दिया था कि सरकारी मुलाजिम की अवकाश पाने की उम्र 58 साल है, ये अब बढ़ाकर 60 साल की कर दी गई है। माना जाता है कि 58 से 60 साल तक उस व्यक्ति ने इतनी मेहनत कर ली कि अब उसे शारीरिक और मानसिक आराम की जरूरत है। वैसे भी जिंदगी के क्रम में 60 साल के आदमी के बच्चे भी जीवन में आर्थिक और सामाजिक रूप से ठीक ठाक बस जाते हैं, सुबह अपने बुजुर्ग माता पिता का ख्याल रख सकते हैं। पर अब तो आधुनिकीकरण और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की देन कहे तो लोगों का स्वास्थ्य 58 और 60 साल में भी अच्छा होता है। वे शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी सजग और उत्साहित रहते हैं। सवाल ये उठता है कि नौकरी से तो कायदे अनुसार उसे अवकाश लेना ही है, पर वो करे क्या। कई लोगों की समस्या है कि वो घर बैठे क्या करे। अपने आप को बेकार समझने वालों के सामने मानसिक समस्याएं भी आ जाती है, फिर वो मनोवैज्ञानिक के चक्कर काटते हैं या यूं ही गुसैल, चिड़चिड़े और असंतुष्ट नजर आते हैं। मिजोरम के आइजोल जिले के लुआंगमोल आर सैद वाला एक प्राइमरी स्कूल के शिक्षक थे, 58 साल में रिटायर हो गए। शरीर से चुस्त दुरुस्त, मन से सरल पर उमंग भरे, रिटायरमेंट के बाद क्या करे। बैठकर दुखी होने के बजाय इनके मन में एक ख्याल आया, इनकी तरह भी तो और बुजुर्ग है जिनके सामने और कोई मकसद नहीं, कोई मंजिल नहीं, क्यों नहीं कुछ किया जाए। विचार क्या पनपा कि सीधा काम ही शुरू कर दिया। इस शिक्षक ने गांव में निरक्षरता के अंधकार को दूर करने का बीड़ा उठाया। युवा वर्ग तो पढ़ा लिखा था पर उसके हम उम्र वालों में कई अभी भी अंगूठा छाप थे, सो उसने ऐसे लोगों के लिए एक तरह का साक्षरता केंद्र खोल दिया। अब ये राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का प्रेरक बन गया। अपने ही घर में वो साक्षरता क्लास चलाता है जहाँ कई बुजुर्ग मर्द और औरतें आती हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी आती हैं। उनके घर में उन पर बच्चों की जिम्मेदारी है, सो बच्चों को लेकर ये यहीं आ जाती है। 58 साल के थंग द्वारा कहते हैं कि ये मीजो, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक शास्त्र के विषय पढ़ते हैं। जिया लियांगा 71 वर्ष के हैं,
पर उन्हें कहते हुए गर्व है कि वे चौथी कक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं, साथ ही मन बहलाने के लिए ये चित्रकला सीख रहे हैं। वैसे यहाँ क्लास के ज्यादातर शिष्य मिजोरम बोर्ड की चौथी कक्षा की किताबें पढ़ रहे हैं। पिछले 2 सालों से ये प्रेरक इन्हें पढ़ा रहे हैं। आखिर सहिदवाला ने 43 साल तक स्कूल टीचर की भूमिका निभाई है, तो ये काम तो नया नहीं था। पढ़ाना इनका पेशा भी है और शौक भी, और इन निरक्षरों के घर में अक्षर ज्ञान का उजाला देखकर तो ज्यादा ही खुश है। सहिदवाला कहता है कि उसका भी मकसद सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि सभी को स्वास्थ्य, साफ सफाई, बातचीत करने के तौर तरीके, बागवानी वगैरह सिखाना है। मेट्रिक देपो अचुंगलम थेंग पॉइंट जरन सागा जो चोन मसनर पुइता आसिया मिन कहिया। वाकई में अक्षर ज्ञान के लिए उम्र कोई बाधा नहीं। अब जिंदगी के इस पड़ाव में काम करके रोजगार कमाना मकसद नहीं। आने आने मा जो आजे सौ जेरा मेट्रिक बीए खेंगिन पाशिया जोता ना इंग इंगे ते बो थांगा तो नौकरी पाने की उम्मीद भी लगाए बैठे हैं। इनकी महत्वाकांक्षा देखिए, कहते हैं ग्रेजुएट बनेंगे, फिर चर्च में ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। ये सिर्फ 71 साल के हैं, है ना। ये और इनके प्रेरक सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत। ये एक ऐसी समस्या है या ऐसी स्थिति है जिसे नकारा नहीं जा सकता। देखा गया है कि पिछड़ा इलाका हो या ऐसा इलाका जहां पिछड़ी जातियां बसती हों, वहां साक्षरता दर यकीनन ही कम होता है। जहां अल्पसंख्यक बसते हैं वहां भी साक्षरता दर कम है। वाराणसी में भी ऐसा ही हुआ, पर जब वहां साक्षरता मुहिम चलाई गई तब वहां कामयाबी हासिल हुई। यूं तो वैसे ही हमारे देश के ना जाने कितने इलाके पिछड़े हुए हैं, उस पर मुस्लिम इलाकों में पिछड़ापन और अधिक दिखाई देता है। कारण, मुसलमानों में धार्मिक कट्टरता, पुराने रीति रिवाज और शिक्षा का व्यापक प्रसार ना होना। सदियों से चली आ रही पुरानी परंपराओं के चलते इन लोगों में पर्दा प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियां व्याप्त थीं, जिस कारण ये लोग अपने लड़कों और लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे और इनकी शिक्षा केवल मदरसे तक सीमित हो जाती थी। ऐसा ही एक गांव है उत्तर प्रदेश का लोहता। गांव में मुस्लिम परिवारों के ज्यादा होने के कारण यहां के स्कूल में बच्चों की संख्या ज्यादा नहीं थी। लोग पुरानी परंपराओं के चलते अपने बच्चों को स्कूल भेजना पसंद नहीं करते थे। सालों पुरानी इन परंपराओं और कुरीतियों को तोड़ने का काम किया यहाँ चलाए गए साक्षरता कार्यक्रम ने। अशिक्षा के चलते साक्षरता केंद्र में भी पहले लोग पढ़ने के लिए आगे नहीं आए, मगर धीरे धीरे उनको समझ में आया कि शिक्षित ना होने के कारण उनको कितना नुकसान हुआ है और शिक्षा से होने वाले फायदों को भी वो समझ गए। इसी गांव के इश्तियाक अहमद बताते हैं कि अब की बार यहां के लोगों ने वोट दस्तखत करके दिया। बदलाव ये हुआ है कि सबसे बड़ी चीज उनके अंदर ये हुई है कि सबसे ज्यादा तो उनको ये एहसास हुआ है कि हमें पढ़ने से हमें क्या मिला। जो कुछ सबसे इस बार जो इलेक्शन हुआ था, सभी लोग जो थे जहां उठा लगाते थे वहां पे इस बार लोग जो वोट दिए हैं वो अपना साइन करके दिए हैं। दूसरी चीज़ ये देखने में आया कि राशन कार्ड पे जो लोग जाते हैं अपना अंगूठा लगा के सामान लेते थे वो लोग आज वहां पे दस्तखत कर रहे हैं। जब पुरुष शिक्षा का महत्व समझ गए तो घरों में बैठी महिलाओं ने भी साक्षरता केंद्र पर जाकर पढ़ना शुरू कर दिया और आज यहां चल रहे साक्षरता केंद्र पर आने वाली औरतों की संख्या बहुत ज्यादा है। आज ये समझ गई हैं कि पढ़ाई करना औरत के लिए जरूरी है। फिरोजा बानो कहती हैं, पढ़ने से बहुत फायदा हो सकता है। ऐसे हम लोग कहीं जाते होते थे तो पढ़े नहीं थे, परेशानी होता था। ऐसे पढ़े हुए हैं तो जो चाहे अपना पढ़ सकते हैं, लिख भी सकते, परिवार भी अच्छा चला सकते हैं, इसीलिए औरत को पढ़ना बहुत जरूरी है। पर्दों के पीछे से निकलकर किसी दूसरे के घर में जाकर पढ़ाई करने की जो हिम्मत इनके अंदर आई उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, साक्षरता। साक्षर हो रही इन महिलाओं में जिस तरह की जागृति आई है उसको देखकर ऐसा लगता है
कि कम समय में ही ये महिलाएं वो सब कुछ हासिल कर लेना चाहती हैं जिससे ये अशिक्षा के कारण दूर थी। जिस आत्मविश्वास से बाउनी ब्लैकबोर्ड पर अपना नाम लिखती है उसी आत्मविश्वास से वो पढ़ी और बिना पढ़ी औरत के फर्क को बताती है। थोड़ा सा पढ़ी लिखी में यही फर्क है कि उसको कुछ ज्ञान हो गया है तो अपने बच्चों को भी अच्छी तरह से रख सकती है, अपना जो है कि कारोबार भी अच्छी तरह से रखती है, सर सफाई में भी परिवर्तन हो जाता है, हर चीज में अलग अलग परिवार होता है। और जो अनपढ़ होती है गंदे रखे रहती हैं उनको क्या को अरे ये कर दो अच्छा कर देंगे ना ये कर दो अरे कर देंगे ना अरे बाबा उनको कुछ ध्यान ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। खाना पीना में भी बच्चों में भी घर गृहस्थी में भी परिवार ये लापरवाही होती है, कपड़े लत्ते भी गंदे रहते हैं उनके। अब बाजार भाव में जाएंगी कह देगा कि इतना है अपना खट से तो पढ़ी लिखी रहे नहीं कह देगी क्या कह देगा कि 75 रुपया दे दा तो कहे कितना बाल भैया 75 रुपया तो कहे 5 कम 80 इतना दे दा तो अपन भैया 75 रुपया निकाल के दे दिए आए पढ़ी लिखी रही है तो अपन 75 रुपया निकाल के सीधे सीध 50 रुपया 25 रुपया मिला के 75 दे दिए। परसों से अशिक्षा के अंधकार में सोई औरत ने जब साक्षरता के प्रकाश में अपनी आंखें खोली तो लगा दुनिया ही बदल गई। इस साक्षरता केंद्र को चला रही तबस्सुम साक्षर होने के बाद से औरतों में आए बदलावों को बताते हुए कहती हैं, कम से कम कुछ अपना नाम तो लिख सकती हैं, जहां 1000 कपड़े होते थे वहां कुछ तो कम हुए, अपना नाम लिख लेती हैं, बाजार जा सकती हैं, कुछ सामान खरीदना होता है खरीद लेती हैं। वाकई जब किसी को एक बार पढ़ाई में मजा आने लगता है फिर वो बाकी सारी बातें भूल जाता है, सभी काम बाद में पहले पढ़ाई, और यही हाल है अब यहाँ का। यहाँ की महिलाओं में आई जागृति को देखकर लगता है कि साक्षरता से इनकी जिंदगी को एक नई दिशा मिली है। तो ये था हमारा आज का ज्ञानदीप। ज्ञानदीप के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ खास क्षेत्रों की कुछ खास बातें लेकर। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार। पढ़ना है पढ़ाना है सबको साक्षर बनाना है, पढ़ना है पढ़ाना है सबको साक्षर।